ये देखो यहाँ भी कितनी भीड़ हो रही है, घुसने की भी जगह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मेट्रो में आज, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। ये शेख जायद रोड है और ये द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मेट्रो स्टेशन है और ये था मेरा होटल द अपार्टमेंट्स बिल्कुल इसके सामने ही। तो ये एक रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे, देखो सबके दिरहम में रेट लिखे हुए हैं, टिक्का रोल, उत्पम साउथ इंडियन रैप सैंडविचेस, ओनियन डोसा 6 दिरहम का है, तो 25 का 150 रुपये का ओनियन डोसा है और पूरी भाजी 6 दिरहम की है, तो पूरी भाजी खाता। और चलते चलते ये सामने मेरा होटल आ गया, ये वाला होटल है मेरा गोल्डन टूलिप अलबरसा में, और यहाँ पे बहुत सारे होटल है, ये सेम है, इसके बराबर वाला सेम है, सारे होटल की लाइन है यहाँ पे, और होटलों के ग्राउंड फ्लोर पे मार्केट बना हुआ है, तो पूरा एरिया ऐसा ही है। तो ये देखो यहाँ पे सलून आ गया, जेंट्स सलून, और ऊपर अल रयान सुपर मार्केट है, और आगे बहुत सारी दुकानें हैं, फार्मेसी है, और ये MD होटल है, MD होटल बाय G1 करके, इसलिए पहले मैं इसको ही बुक कर रहा था, पर इसके चैनल स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिलहाल अभी मैं हूँ दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, और अभी मैं दुबई के अंदर भी एग्जैक्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप कैसे दिल्ली से चल के दुबई पहुंच सकते हैं। मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से शारजा की, और फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप शारजा से दुबई तक सिर्फ 20 दिरहम खर्च करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अपने होटल में हूं, और फिलहाल यहां से मैं अपना होटल चेंज कर रहा हूं और दूसरे होटल में जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे कि दुबई में कैसे कैसे होटल आपको मिलेंगे, कैसे कैसे आपके पास रुकने के ऑप्शन अवेलेबल है, और थोड़ा बहुत ऐसी दुबई की मेट्रो दिखाऊंगा, दुबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसका कार्ड बनता है, पूरा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैंने कुछ ये होटल बुक किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, द अपार्टमेंट्स करके इसका नाम है, मैं आपको होटल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक टेबल डेस्क मिली है, ये मिरर है, इधर मेरा बैग पड़ा है, काफ़ी स्पेशियस रूम है, टीवी है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, इधर चाय कॉफ़ी बनाने के लिए सारा सामान रखा हुआ है, और ये कुछ बेड है, इधर अलमीरा में प्रेस वगैरह सब कुछ है। तो इस होटल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस होटल का प्राइस 5000 रुपये पड़ रहा है मुझे, और इस होटल का व्यू दिखाता हूँ मैं, देखो कैसा है। जैसे कि ये मेरा बेड है और इसकी बालकनी से व्यू दिखता है, देखो सामने शेख जायद रोड दिख रही है पूरी, और ये देखो दुबई की मेट्रो भी जा रही है ब्लू ब्लू कलर की, इसी मेट्रो में बैठ के हम जाएंगे। ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास में होटल है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मेट्रो स्टेशन है, ये बिल्कुल सामने है मेरे, जहाँ पे मेट्रो रुकी है अभी। तो अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेते हैं और फिर अपने दूसरे होटल पर चलते हैं। अभी मैं रुका हुआ हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्कुल सेंटर में, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बिल्कुल रुका हुआ हूँ मैं। यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ के जाऊँगा अलबरसा, अलबरसा में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी है। मेरे होटल चेंज करने का मेन रीज़न यही है कि मुझे यहाँ पे नीचे ना खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट नहीं मिल रहे, और जो मिल रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और इंडियन भी नहीं है। तो यहाँ से सीधा मैं मेट्रो पकड़ के अलबरसा जाऊँगा, अलबरसा में बहुत ही सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे मैंने एक सिग्नेचर होटल बुक करा है, तो वो होटल भी मैं आपको दिखाऊंगा जाके, वो थोड़ा सा सस्ता है, वो वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ से अपना मैंने बैग पैक कर लिया है, एक बैग वो रहा मेरा, एक बैग ये रहा, और फिलहाल ये मेरा माइक वाइक रखा है। देखो मेट्रो का कार्ड आपको दिखा देता हूँ, ये तो है मेरे होटल का कार्ड द अपार्टमेंट्स करके, इससे आपकी दरवाजे की खुलती है और बिजली चलती है, और दूसरा कार्ड ये होता है नोल कार्ड जिसको बोलते हैं, जो दुबई की मेट्रो का कार्ड है, इसके थ्रू आप दुबई के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये RTA दुबई का कार्ड है। 30 दिरहम इस कार्ड को बनने में लगा था, इसके अंदर मुझे 19 दिरहम मिले थे। एक दिरहम का अगर मैं रेट बताऊं तो वैसे गूगल पे देखेंगे तो आप 23 रुपये के आसपास का दिखेगा, लेकिन जब आप ATM से निकालते हैं या कैश कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको 24 रुपये का एक दिरहम पड़ जाता है। तो मैं जितने भी दिरहम आपको बताता रहता हूँ आप उसको 24 से मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीज़ में पैसे निकाल सकते हैं। 30 दिरहम जैसे ये था तो 72 रुपये का ये कार्ड मुझे, 720 रुपये का ये कार्ड मुझे पड़ा है, जिसके अंदर मुझे 20 दिरहम मिले हैं, मतलब 480 रुपये मुझे मिले हैं, और 200-250 रुपये का ये कार्ड की फ़ीस होगी। इसी के थ्रू हम पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं दुबई का, तो इसी को मेट्रो स्टेशन में जाके इसको आप अपने ATM कार्ड से रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अपनी कॉफ़ी मैंने डाल दिया, 3 क्रीमर डाल दिए इसमें और 1 कॉफ़ी डाल दी, और पानी कर लिया गर्म। अब गर्म पानी को इसमें डालते ही मस्त कॉफ़ी बन जाएगी फ्री फंड की। जब होटल में पैसे फूंक दिए तो कॉफ़ी पीने में क्या बुराई है, आधा कप मैंने कॉफ़ी बना ली, अब देखो इससे इसको घोल देंगे। तो कॉफ़ी पीते हैं और फिर यहाँ से अपने होटल से निकलते हैं। और अगर आप दुबई आओ ना तो यहाँ पे देखो बिजली का प्लग भी थोड़ा सा अलग आता है, वैसे तो आपको पता होगा पर दिखा देता हूँ। देखो ये वाला प्लग आता है यहाँ पे, तो मैं इस प्लग को कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर लेके आया था पहले, इसमें देखो टाइप सी की चार्जिंग भी है, तो ऐसे प्लग के हिसाब से सामान लेके आना। ये यहाँ की लॉबी है, ऐसा कुछ होटल है, अपना बैग लेके अब मैं चल दिया बाहर की तरफ।
तो फिलहाल अपने इस होटल से निकलते हैं और अपने अल बरसा वाले दूसरे होटल में चलते हैं। सातवें फ्लोर पे मेरा होटल था, लिफ्ट भी देखो यहाँ की कैसी है, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन लिफ्ट है। अब चलते हैं अपना बैग लेके चेकआउट करते हैं। तो मैं अपने होटल से बाहर आ गया, यहाँ की पार्किंग में अभी देखो, ये सामने होटल से निकलते हैं ना, ये मेट्रो स्टेशन है। अभी मैं पीछे जाके आपको होटल दिखा दूँ, सामने मेट्रो स्टेशन है और ये होटल की है पार्किंग। तो फिलहाल मैं बाहर आ गया, तो ये मेरे पीछे है होटल द अपार्टमेंट्स करके और ये मेरे बिल्कुल सामने है शेख जायद रोड। देखो ये वाली है ना, ये शेख जायद रोड है और ये द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मेट्रो स्टेशन है और ये था मेरा होटल द अपार्टमेंट्स बिल्कुल इसके सामने ही। अब यहाँ से मुझे मेट्रो स्टेशन तक जाना है और मेट्रो स्टेशन पर जाके इस साइड जाऊँगा मैं और यहाँ पर मुझे मिलेगा फिर अलबरसा। अलबरसा में चल के अपना दूसरा होटल लेते हैं फिर। तो अभी मैं पैदल पैदल चल के मेट्रो स्टेशन पे जा रहा हूँ क्योंकि पैदल का ही रास्ता है, बिल्कुल सामने 5 मिनट की वॉक पे ही मेट्रो स्टेशन है। देखो अब अंदर जाके दिखा दो आपको कार्ड से एंट्री कैसे होती है। और ये देखो दुबई की ना बसें चल रही हैं यहाँ पे छोटी छोटी, और यहीं पे मेट्रो स्टेशन के इधर ही ये पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट तो है लेकिन ये बहुत महंगे महंगे हैं, इसलिए मैं यहाँ से अपना होटल चेंज कर रहा हूँ। पूरे यहाँ पे पिज्जा एक्सप्रेस और इधर ये पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कोई भी एग्जीबिशन में जाना है तो यही एंट्री पॉइंट है उसका और ये मेट्रो स्टेशन का एंट्री पॉइंट है। अब जैसे ही देखो यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए मैं इधर चलूँगा ना, सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी एकदम। देखो जैसे मैं आ रहा हूँ ये गाड़ी ने भी ब्रेक मार दिया, कितनी सुपर फास्ट स्पीड है यहाँ की, यहाँ के गाड़ी रुक जाती है एकदम अगर आप रोड क्रॉस करने शुरू कर दो। तो फिलहाल मेट्रो स्टेशन के अंदर चलते हैं। और ये मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गए, देखो ये मैप है, फिलहाल हम यहाँ पे हैं और हमें जाना है मरशेख मेट्रो स्टेशन पे। तो मतलब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेट्रो स्टेशन पे जाना है। तो फिलहाल चलते हैं, ये कुछ है दुबई मेट्रो का मैप। तो फिलहाल मेट्रो का अंदर एंट्री लेते हैं। और यहाँ पे ये दिल्ली वाली मेट्रो की तरह लगी हुई है, बिल्कुल एंट्री वाली लाइन है, इस पर अपना कार्ड टैप करो और अंदर एंट्री ले लो। एंट्री मैंने ले ली है, अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलेंगे जो कि एक्सपो 2020 की तरफ मेट्रो जा रही है, उस मेट्रो में जाके और हम मरशेख मेट्रो तक जाएंगे। फिलहाल मेट्रो के अंदर से दिखाता हूँ आपको थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स। चढ़ने की भी जगह नहीं मिली और मेरे पास है बैग पड़ा तो इसलिए मैं इसमें नहीं चढ़ा, अगले वाली में चढ़ेंगे। यहाँ तो चढ़ने की भी जगह नहीं मिली, बहुत भीड़ चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है ना। यहाँ की मेट्रो में इतनी भीड़ हो रही है, देखो 2 मेट्रो निकल चुकी मेरी, अब तक चढ़ने की जगह नहीं मिली, अब तीसरी का वेट करूँगा। देखो दरवाजों में भी कैसे खड़े हैं लोग, बिल्कुल एक भी जगह नहीं है चढ़ने की, आधे लोग बाहर ही खड़े रह जा रहे हैं। कहने को तो दिल्ली मेट्रो में भीड़ है लेकिन यहाँ की देखो दुबई मेट्रो में कितनी भीड़ है, आदमी चढ़ भी नहीं पा रहे हैं। अब एक और मेट्रो आ गई तीसरी वाली। यार 3 मेट्रो चली गई, कहीं चढ़ने की जगह नहीं मिल रही, इतनी भीड़ हो रही है। मेरे पास बैग है नहीं तो अकेले तो चढ़ भी जाता मैं। अब 3 मेट्रो चली गई, अब एक और वेट करें नहीं तो फिर टैक्सी करके चलना पड़ेगा यहाँ से। जिस तरफ मुझे जाना है उस तरफ की मेट्रो पूरी भर के आ रही थी तो मैंने क्या करा, मैं उतर के दूसरी तरफ आ गया, इधर खाली मेट्रो जा रही है तो थोड़ा सा उल्टा चल के जहाँ पे मेट्रो में चढ़ने की जगह मिलेगी वहाँ पे उतर के दोबारा से चढ़ूंगा क्योंकि इस साइड से ना चढ़ने की जगह नहीं मिल रही और मेरे पास बैग बड़ा है। तो सामने अपोजिट साइड में था पहले मैं लेकिन उधर चढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी, अब यहाँ से मुझे उल्टे 2-3 स्टेशन जाना पड़ेगा तो मुझे चढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी और फिर उसके बाद मैं आराम से बैठ के फिर वापस इसी तरफ रिटर्न आ जाऊँगा। तो फिलहाल देखते हैं वापस की तरफ, सेंटर पॉइंट की तरफ चलते हैं, पहले 3-4 स्टेशन उल्टा। देखो ये वाली ट्रेन आएगी सेंटर पॉइंट वाली और इसमें बैठ के मुझे जाना पड़ेगा, इसमें बैठने की जगह मिल जाएगी तो इसके अंदर चलते हैं, बैठ के अपना 2-4 स्टेशन वापस की तरफ चलेंगे। और ये देखो यहाँ भी कितनी भीड़ हो रही है, घुसने की भी जगह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मेट्रो में आज, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। मैंने सोचा था यहाँ आगे भीड़ नहीं मिलेगी, यहाँ देखो एंट्री भी नहीं करने दे रहे प्लेटफॉर्म पर। अब मैं पहुँच गया सिटी सेंटर देरिया के मेट्रो स्टेशन पर, यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। वही
The final destination of the... المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa Dubai Mall. المحطة القادمة هي مول الإمارات. The next station is Mall of the Emirates. तो मैं पहुंच गया मशरक मेट्रो स्टेशन पे, बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ। अब तो खाली हो गई थोड़ी सी, अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ के मेट्रो पे, और यहाँ से हम ट्रैवलेटर लेके नीचे जा रहे हैं, और यहीं पे मेरा होटल है बाहर, गोल्डन टूलिप अलबरसा। मशरक मेट्रो स्टेशन जो है वो अलबरसा के इलाके में पड़ता है, और यहाँ से अलबरसा में उतरते हैं और फिर अपना होटल दिखाता हूँ जाके। फिलहाल मेट्रो की राइड मैंने आपको दिखाई दी है कितनी भीड़ वाली थी, और ये मशरक मेट्रो स्टेशन है देखो। अब यहाँ पे अपना नोल वाला कार्ड लगा के एग्जिट मिल जाएगा, और देखते हैं बताता हूँ अभी कितने रुपए या कितने दिरहम मेरे यहाँ से कटे हैं। ये कुछ है मशरक का मेट्रो स्टेशन देखो, तो मेरा टिकट लगा है 5 दिरहम का। 5 दिरहम मतलब हो गए 24 पंजे 120 रुपये के आसपास का टिकट लगा। देखो यहीं पे मेट्रो स्टेशन में एक कॉफ़ी पॉइंट है, यहाँ पे कॉफ़ी बनी हुई है, इसमें मैं लेता हूँ कड़क टी। लैंग्वेज इंग्लिश कर देता हूँ और कड़क टी लेता हूँ। यहाँ पे इसको प्लस कर दो, जितना गिलास आपको भरना है उसके बाद ओके कर दो, और ये 4 दिरहम आपके कटेंगे। अपने कार्ड को आप इस पर टैप कर दो, 4 दिरहम मेरे कार्ड से कट जाएंगे, और मुझे यहाँ से कड़क टी मिलेगी। और मेकिंग पीकेटा, और ये देखो अपनी कड़क चाय तैयार मशीन से निकली हुई। अब इसको पीते 4 दिरहम की चाय। और यहीं रेलवे स्टेशन पर ये मशीन लगी हुई है जहाँ से आप टिकट भी परचेज कर सकते हो और अपना कार्ड भी रिचार्ज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अपना कार्ड यहाँ पर रख देता हूँ, रिचार्ज करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कार्ड रख दिया, देखो मैंने कार्ड रख दिया, तो मेरे कार्ड में 6 दिरहम बचे हुए ये बता रहे हैं। अब आपको कार्ड टॉपअप करना है, 7 डे का पास लेना है या टिकट लेना है, जो भी लेना है। तो मैं कार्ड टॉपअप कर देता हूँ 10 दिरहम से, 10 दिरहम चूज़ कर लिया, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चूज़ कर देता हूँ। जैसे ही क्रेडिट कार्ड चूज़ करूँगा तो यहाँ पे बोलेगा कि वेलकम टू दुबई मेट्रो, 10 दिरहम का कार्ड लगा दो अपना। तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड इसमें लगा के इसका पिन डाल दूँगा, और जैसे ही मैंने पिन डाला मेरा रिचार्ज कन्फर्म हो जाएगा। प्लीज़ फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन बैंक टर्मिनल, ऑपरेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज़ डू नॉट रिमूव योर नोल कार्ड। और ये देखो प्रिंट रिसिप्ट कर देता हूँ, मेरे 10 दिरहम का रिचार्ज हो गया, 16 दिरहम मेरे कार्ड में आ गए, और मैं अपना कार्ड यहाँ से उठा लूँगा। और नीचे मुझे एक स्लिप भी मिलेगी जिसमें मेरा 10 दिरहम का, ये दिखाएगा कि 10 दिरहम का रिचार्ज हो गया। तो इस मशीन से आप अपना कार्ड वगैरह सब रिचार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ से सीधे अपने होटल की तरफ चलते हैं। कार्ड तो अपना रिचार्ज हो गया, अपना क्रेडिट कार्ड में निकालना भूल गया था, तो वो भी मैंने निकाल लिया। अब चलते हैं सीधे अपने होटल की तरफ, जो कि अलबरसा में है। यहाँ से बाहर निकल के 5 मिनट की वॉक है, तो चलते हैं सीधे बाहर। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते बहुत ही ज़्यादा बुरी गर्मी है, यहाँ तो आपत्ति हो रही है। मेट्रो स्टेशन के अंदर तो AC चला रहता है, लेकिन यहाँ पे आसपास कुछ देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पे। तो फिलहाल आगे जाके यहाँ पे यहाँ से ये रोड क्रॉस करनी है मुझे, तो ये रोड क्रॉस करता हूँ। इस साइड मेरा होटल है कहीं लेफ्ट में, तो दिखते हैं कैसा सिचुएशन है। धूप इतनी तेज़ हो रही है, यहाँ पे छतरी लेके आता तो मैं बैग पकड़ता, छतरी पकड़ता, समझ में ना आता क्या पकड़ना है। तो फिलहाल ऐसे ही चल रहे, थोड़ी देर में इधर कहीं लेफ्ट में अपना होटल है, और देखो सब कोई कोई छतरी लेके चल रहा है, कोई ऐसे ही चल रहा है। और यहीं पर सुपरमार्केट, खाने पीने की दुकानें, क्लोज आउट इंडियन रेस्टोरेंट सब कुछ है, वो भी सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले अपना ये बड़ा वाला बैग एक बार चेक इन में दे देता हूँ। यहाँ पर आपको सड़क से कुछ ऐसी जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी होती है, और अगर कोई गाड़ी वाला आ रहा होता है, देखो ये पीछे गाड़ी वाला आ रहा है ना, ये हमको देख के रुक गया, तो हमको इसके आगे आगे जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पेडेस्ट्रियन की, सब ये रुक गया देखो गाड़ी वाला, अब हम चले जाएंगे तो ये चल पड़ेगा। देखो ये पैदल वाला गया, तो गाड़ी वाला एकदम रुक गया, इसको देख के सब एकदम रुक जाती रही। सामने मेट्रो स्टेशन है, और यहीं पे इधर मेरा होटल है। तो अभी पैदल चल चल के अपने होटल में जाके पहले चेक इन कर लेता हूँ, और फिर आपको होटल का रूम दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद निकलेंगे कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन ग्रोसरी शॉप भी है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। पहले मैं अपने होटल में जाके एक बार चेक इन कर लूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, और यहाँ पर लाइन से बहुत सारे होटल है। ये अलबरसा इलाका है, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन होटल वाले बहुत ही सारे मिलेंगे आपको, और बहुत ही मतलब 3000 रुपये के आसपास आपको अच्छा होटल यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये आ गया अपना होटल गोल्डन टूलिप अलबरसा, ये वाली बिल्डिंग है। अब इसके अंदर जाके चेक इन करते हैं, ये मुझे लग रहा है इसका बैक डोर है, इसके फ्रंट साइड पर जाएंगे। ये है गोल्डन टूलिप अलबरसा मेरा होटल, अब
देखते हैं इसमें कहाँ पे अपना रूम वूम मिलेगा। तो यहाँ से सड़क क्रॉस करके इसके फ्रंट साइड में चलते हैं। तो ये होटल के साइड का इलाका आ गया, ये होटल ऊपर से है। तो होटल के बीच में जहाँ पे छांव आ गई वहाँ पे थोड़ी सी शांति है, लेकिन बाहर धूप में निकलते तो गर्मी में सब भीग जाते एकदम दो मिनट में। तो फिलहाल ये अपना होटल है गोल्डन टूलिप, इसके अंदर जा रहे हैं। ये साइड में गैलरी सी बनी हुई है, यहाँ पर गाड़ियाँ तो अलाउड नहीं है, पैदल वालों के लिए रास्ता होगा ये। तो फिलहाल मैं अपना बैग लेके जा रहा हूँ होटल के अंदर ही, और सामने देखो ब्यूटी सलून भी है यहाँ पे। ये है गोल्डन टूलिप अपना होटल, जहाँ पे दुबई के झंडे लगे हुए हैं, इसके अंदर जाके चेक इन करते हैं। तो फिलहाल मैं अपने रूम में आ गया हूँ। ये वाला रूम मैंने कुछ बुक कराया, देखो ये ट्विन बेड वाला रूम है, और इस ये उससे बड़ा रूम लग रहा है मुझे। इसमें टीवी भी है, मैं पूरा रूम दिखा देता हूँ आपको एक बार। गोल्डन टूलिप अलबरसा इस होटल का नाम है, अगर आपको बुक करना है तो गोल्डन टूलिप अलबरसा आप बुक कर सकते हैं। एक चेयर है, दो ट्विन बेड है, दोनों के लेफ्ट राइट में स्पेस काफ़ी है इसके अंदर। और ये एक टेबल है जिस पर आप बैग वगैरह रख के खोल सकते हैं, एक वर्किंग टेबल है। इधर एक अलमारी भी मिलती है आपको, ये देखो अलमारी भी मस्त है। इसके अंदर लॉकर है और ड्रॉवर है अगर आपको कुछ सामान रखना है। ये लॉन्ड्री बैग है, लॉन्ड्री बैग में पुराने होटल का वहीं पे भूल गया, नहीं तो वो मुँह उठा के ले आता। और दूसरा इसके अंदर प्रेस भी आपको मिलती है। और ये कुछ ऐसा रूम है, अभी मैं इसका वॉशरूम आपको दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ भी आपको कुछ ड्रॉर्स मिल जाएगी सामान रखने के लिए। और ये चाय कॉफ़ी बनाने के लिए दो पानी की बोतलें, दो गिलास, और ये कैटली इलेक्ट्रिक कैटल जो सब जगह मिलती है वो सेम है। यहाँ पे एसी का टेम्परेचर है। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं। वॉशरूम के अंदर भी आपको देखो सारी डेंटल किट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है, नहाने धोने का सामान, और काफ़ी ठीक ठाक बड़ा वॉशरूम है। इधर टेलीफोन लगा हुआ है, हेयर ड्रायर भी है, इसमें पुराने वाले में हेयर ड्रायर भी नहीं था। और इधर एक बाथटब है और टॉवल है। तो फिलहाल इस रूम के लिए मैं पे कर रहा हूँ 3,500 रुपये पर नाइट, जो कि मैं पिछले वाले रूम के लिए पे कर रहा था 4,500 रुपये पर नाइट, लेकिन ये वाला रूम ज़्यादा अच्छा है और इसके लिए मैं 3,500 रुपये पर नाइट पे कर रहा हूँ। और फिलहाल यहाँ पे एक कर्टेन भी है, इसको हटा के देखते हैं इसमें क्या है। कुछ भी नहीं है इसमें, प्लीज़ कीप द विंडो क्लोज। तो इसमें बालकनी नहीं है फिलहाल ऐसा कुछ। ये रूम है गोल्डन टूलिप अलबरसा के पास जो है, और इसके अंदर ना पुराने वाले होटल के अंदर मेरे प्लग भी दुबई वाला था, इसमें पूरा इंटरनेशनल प्लग है, आप कोई भी फ़ोन चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा खासा रूम है ये। और दोस्तों दुबई के वीज़ा की और दुबई के और दुबई में आने की बात करेंगे, अगर आप दुबई पहुंच कैसे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। दिल्ली से दुबई आने के लिए बहुत सारी फर्स्टी फ्लाइट अवेलेबल है, जिसको आप मेक माई ट्रिप से अगोड़ा से बुक कर सकते हैं, और आपको 10,000 से 15,000 के बीच में आपको दुबई की वन वे फ्लाइट मिल जाएगी। तो मोटा मोटा 30,000 रुपये में आप दिल्ली से दुबई आ जाएंगे और वापस चले जाएंगे, रिटर्न टिकट। और 7,000 रुपये का इसका वीज़ा फीस है, तो 37,000 रुपये का तो आपका ये खर्चा हो गया। और उसके बाद आप एक होटल का खर्चा मान लीजिए 4,000 रुपये पर डे का। अगर आप 5 दिन के लिए दुबई आते तो 20,000 रुपये का आपका होटल हो गया। 37,000 + 20,000 57,000 में आपका दुबई आना जाना वीज़ा और होटल सारा खर्चा हो गया। और बाकी इसके आगे आप अपना घूमने का जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा है वो ऐड कर सकते हैं। तो दुबई का टोटल बजट अंडर 1,00,000 रुपये में आप आराम से दुबई 5 दिन के लिए घूम सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप ज़्यादा खर्चा करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ है, ये रूम है मेरा। अब यहाँ से बाहर चल के बाहर दुबई दिखाता हूँ मैं, बाहर की दुबई कैसी है। अलबरसा के अंदर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन होटल अवेलेबल है। तो अलबरसा के नीचे एरिया में चलते हैं और अपने जो इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके आते हैं, और देखते हैं कैसा यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में खाना मिलता है और कितना महंगा कितना सस्ता पड़ता है। और बात करें दुबई के अंदर पेमेंट की, तो दुबई के अंदर अगर मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास एक SBI का क्रेडिट कार्ड है, एक मेरे पास नियो का DCB वाला डेबिट कार्ड है, और एक मेरे पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है। मैंने तीनों से 10-10 दिरहम खर्च करके देख लिया है। अगर मैं कार्ड से पे कर रहा हूँ तो मुझे एक दिरहम 22.7 इंडियन रुपए का पड़ रहा है, मतलब मोटा मोटा 23 रुपये मान लीजिए। लेकिन अगर मैं इंडिया से कन्वर्ट करवा के लाता हूँ तो मुझे दिरहम पड़ता है 24 रुपये का, तो मतलब 1.25 रुपये का फ़र्क आ जाता है। अगर आप डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वो सबसे अच्छा है दुबई के अंदर। 22.7 एक दिरहम इज इक्वल टू 22.7 इंडियन रुपीस किसी भी कार्ड से अगर आप पे कर रहे हैं तो ये रेट आपके ATM से कटता है। और ये कुछ अपने होटल की लॉबी है, लिफ्ट लॉबी, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। और ये कुछ इधर रूम्स है अपने, अब लेके चल रहे हैं यहाँ से बाहर। अभी मैं अपने होटल से बाहर निकल के आ गया हूँ, यहाँ पर देखते हैं कुछ खाने पीने का क्या मिलता है। देखो अलबरसा का इलाका है, सुनसान सही है, रोड की साइड बहुत सारे शायद रेस्टोरेंट खाने पीने के देसी कुछ है, तो यही चलते हैं। देखो सब रेत रेगिस्तान पड़ा है, दुबई की ये खास बात है, दुबई में या तो बिल्डिंग है या फिर रेत है, बस देखो ये पूरा रेत पड़ा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और आगे इतनी चमकदार रोड आ जाएगी एकदम की बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो ऐसा ही है पूरा दुबई, और ये कुछ होटल की बिल्डिंग साइड, आसपास सारे होटल ही होटल है यहाँ, खाने पीने के होटल के सब कुछ है।
तो फिलहाल किसी होटल में जाके इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, वो कहाँ पे मिलेगा, फिर खाएंगे। और यहाँ पे ये वेस्ट जोन का सुपरमार्केट भी है, अभी सुपरमार्केट में जाके मैं पूरा एक सुपरमार्केट का टूर अलग से दूंगा। फिलहाल मैं कोई खाने की इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कुछ ये एरिया है अलबरसा का, तो यहाँ पे सुपरमार्केट भी है, खाने पीने के भी है और होटल भी है। ये देखो यहाँ पे सलून आ गया, जेंट्स सलून, और ऊपर अल रयान सुपरमार्केट है, और आगे बहुत सारी दुकानें हैं, फार्मेसी है, और ये एमडी होटल है, एमडी होटल बाय जीवन करके। इसलिए पहले मैं इसको ही बुक कर रहा था पर इसके रूम नहीं मिला मुझे। अब यहाँ पे देखो सुपरमार्केट है, बहुत सारा लॉन्ड्री है, सब कुछ है। अब दिखाता हूँ आपको, सलून भी है, सुपरमार्केट की तो लाइन ही लग रही है यहाँ पे। तो फिलहाल किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, पार्क दरबार रेस्टोरेंट तो है सामने, एक पार्क दरबार रेस्टोरेंट में जाके देखते हैं क्या मिलेगा। अगर कुछ वेज मिलेगा तो पार्क दरबार में ही खा लेंगे, इंडियन मिलेगा तो इंडियन में खा लेंगे। देखो यहाँ पे लॉन्ड्री, पिंक बर्दा, फार्मेसी, टेलरिंग, सारी दुकानें हैं, और स्पा भी है, सलून भी है, स्ट्रेट सलून, लुक्स रिपेयरिंग, फ़ोन ट्रेडिंग, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। पूरा अलबरसा का एरिया है दुबई के अंदर। तो ये एक रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे, देखो सबके दिरहम में रेट लिखे हुए हैं, टिक्का रोल, उत्पम साउथ इंडियन, रैप, सैंडविचेस, ऑनियन डोसा 6 दिरहम का है, तो 25 का 150 रुपये का ऑनियन डोसा है, और पूरी भाजी 6 दिरहम की है, तो पूरी भाजी खाते हैं यहाँ पे। फिलहाल ये कुछ रेस्टोरेंट है, अरबी में लिखा हुआ है, फूड व्यू रेस्टोरेंट, इसमें खाना खाएंगे और फ्री होम डिलीवरी भी करता है ये। तो यहीं पे अलबरसा स्ट्रीट पे ये फूड व्यू रेस्टोरेंट है, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं, ये खुला हुआ होगा तो इसी में खाएंगे। यहाँ पे उत्पम, पूरी भाजी, एक डोसा सब मिल रहा है। तो यहाँ पे टी आ गई और अभी आ रहा है पूरी भाजी। ये है देखो यहाँ पे मेन्यू, चाइनीज स्पेशल, और इधर है एक वेज स्पेशल, सलाद स्पेशल, सूप स्पेशल, सब 18 दिरहम 20 दिरहम है। सैंडविच भी है, पिज़्ज़ा भी है, बर्गर भी है, सब है, नॉन वेज फिलिपिनो। तो मैंने ये मंगाया है पूरी भाजी 6 दिरहम, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं देखो, और आगे ड्रिंक्स भी है, ड्रिंक्स में जो भी आपको लेना है, 1 दिरहम 3 दिरहम 5 दिरहम 2 दिरहम ऐसे है। तो ये फूड व्यू रेस्टोरेंट। तो ये आ गई अपनी पूरी भाजी और ये आ गई चाय, तो ये पूरी भाजी और चाय खाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से बाहर चलते हैं। ये पूरी भाजी भी इंडियन रेस्टोरेंट पे मिलती है, फूड व्यू कैफे है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है। अब इसको खाते हैं और फिर यहाँ से बाहर चलते हैं। तो फिलहाल 7.5 दिरहम में मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। 7.5 दिरहम कितने होते हैं, 24 से आप गुना कर सकते हैं। तो 7.5 दिरहम में एक पूरी भाजी और एक चाय मैंने खा ली है। अगर हम बस में भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो एक टिकट का प्राइस 8 दिरहम लगता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं महंगा या सस्ता कितना है। तो फिलहाल यही इसी रोड पे लेफ्ट में मेरा होटल है, मैं वापस से अपने होटल जा रहा हूँ और वहाँ से अपना बैग उठा के फिर चलते हैं कहीं घूमने के लिए, वो रहा अपना होटल। तो रोड क्रॉस करते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने होटल में। यहाँ पे देखो ये सुपर मार्केट भी है, सुपर मार्केट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसमें दुबई की चीज़ों के प्राइस दिखाऊँगा, सुपर मार्केट के अंदर दुबई में क्या क्या प्राइसेज होता है। तो अभी फिलहाल ये कुछ अलबरसा का एरिया है जहाँ पे फूड व्यू रेस्टोरेंट था, काफ़ी बजट में प्राइसेज है, तो एक दिरहम के अंदर 24 रुपये का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो साथ ज़्यादा महंगा यहाँ पे खाना पीना, इंडियन खाना भी ज़्यादा महंगा यहाँ पे नहीं है। और जगह जगह ये देखो यहाँ पे जगह जगह स्पा सेंटर है, मसाज सेंटर है, और ये बेकरी भी है, कैफ़े भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो आप अलबरसा के इलाके में अगर आप रुकना चाहें तो ये रुकने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे तो दुबई के अंदर। और दुबई के अंदर गाड़ियाँ भी देखो कितनी मस्त मस्त चलती है, शेवरले का ट्रक खड़ा है देखो सामने, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और चलते चलते ये सामने मेरा होटल आ गया, ये वाला होटल है मेरा गोल्डन टूलिप अलबरसा में, और यहाँ पे बहुत सारे होटल है, ये सेम है, इसके बराबर वाला सेम है, सारे होटल की लाइन है यहाँ पे, और होटलों के ग्राउंड फ्लोर पे मार्केट बना हुआ है, तो पूरा एरिया ऐसा ही है। तो फिलहाल ये कुछ है गोल्डन टूलिप अलबरसा, इसके अंदर चल के आपको अंदर से होटल का तो मैंने दिखाई दिया है सारा, अब यहाँ से बैग उठा के फिर चलते हैं दोबारा से बाहर।